हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, फाइनली आपकी जो रेलवे की तरफ से पहली भर्ती है 2024 की, वो निकल कर आ चुकी है। तो दोस्तों, रेलवे की तरफ से 2024 की सबसे बड़ी भर्ती और सबसे पहली जो भर्ती है आपके सामने निकल कर आ रही है, कौन सी वो भर्ती है, इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोस्तों आउट कर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं पूरी क्या डिटेल इसमें निकल कर आ रही है, ठीक है। चलिए, तो देखिए ये नोटिस है जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल, जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरे टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर, 15,000 से ज्यादा कैंडिडेट जुड़े हुए, यहाँ पर मैंने इसका नोटिस वगैरह डाल दिया था ऑलरेडी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं इसका नोटिस आपको पढ़ा देता हूँ। यहाँ से अभी हमने डाउनलोड कर लिया है और इसको मैं आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है, क्या नोटिस में कुछ लिखा हुआ है। ओके, चलिए तो इसको क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए, तो आपको यहाँ से दिख जाएगा, ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN नंबर 1 2024, यानी कि रेलवे की तरफ से ऑफिशियल नोटिस 1 2024 जारी कर दिया गया, जिसमें रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट, यानी कि ALP की, यानी कि जो आपका जो ट्रेन में सहायक ड्राइवर होता है उसकी ये पोस्ट है, यानी कि आपको ट्रेन चलाने का मौका रेलवे के अंदर मिलने वाला है, ठीक है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट गिवन इन द टेबल बिलो। द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 19/2, यानी कि लास्ट डेट जो रखी गई है 19 फरवरी रखी गई है। एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ऑनलाइन ओनली, ठीक है। तो ऑनलाइन फॉर्म आपके भरे जाएंगे, केवल इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी है, जैसे कि आपका जो फॉर्म भरने की डेट है वो कब से स्टार्ट होगी, तो 20 जनवरी, यानी कि आज हो चुकी है 18, तो कल है 19 और परसों है 20, तो परसों से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। और ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से सब कुछ करना है, ठीक है। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन क्या रखी गई है, 19 फरवरी रखी गई है। वैकेंसीज कितनी है पूरी डिटेल में यहाँ पर दे रखा है। पोस्ट है आपकी असिस्टेंट लोको पायलट, कौन से लेवल की पोस्ट है, तो लेवल 2 की पोस्ट है। इनिशियल पे जो रहेगा आपका 19,900 रहेगा, और जो इन हैंड इसकी जो सैलरी बनती है दोस्तों वो वैसे आपको मिलेगी 32 से 35 K के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट इसमें क्या है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस भी मिलते हैं जिससे आपकी जो सैलरी है वो 50,000 से भी ऊपर यहाँ पर पहुंच जाती है। वो मैं आपको जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा और आगे जाने वाले जो वीडियोज है उसमें बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं एज अ सीनियर क्लर्क हूँ इंडियन रेलवे में, ठीक है, तो आपको पूरे अच्छे तरीके से बता सकता हूँ। इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाएगा वो A1 मांगा जाएगा, इसका भी मैं आपको पूरा ऑफिशियल वीडियो बता दूंगा कि किस तरीके से A1 का जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, मेरा किस तरीके से हुआ था, आपका किस तरीके से हुआ, ठीक है। चलिए, एज की बात करें तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, जिससे कोई भी जो वीडियो आएगी उसकी जो जल्द से जल्द आपको अपडेट्स है वो मिलती रहेगी। एज क्या मांगेगी, तो 18 से 30 साल आपकी एज मांगी है। 1 जुलाई 2024 से इसकी गणना की जाएगी। ये टेंटेटिव वैकेंसी है, तो टोटल जो वैकेंसी है वो 5,696 है, और इसमें भविष्य में बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। चलिए इसने क्लियर कर देते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि एज 1/7/2024 को कैलकुलेट की जाएगी, और बाकी जो डिटेल है वो आपके जो नोटिफिकेशन ऑफिशियल आ जाएगा कब आएगा, तो 20 जनवरी को आ जाएगा, या कल ही आपको देखने को मिल सकता है, या आज शाम को भी देखने को मिल सकता है। फॉर्म आपके 20 तारीख से भरेंगे। ये आपका जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर निकलता है उसमें ये ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस जारी किया गया रेलवे की तरफ से, ठीक है। सबसे पहले इसमें नोटिस आता है, उसके बाद और कहीं आपका नोटिस आता है, ठीक है। चलिए, स्टैंडर्ड और ऑफ मेडिकल फिटनेस यहाँ पर दिया गया है कि ये फॉलो करेगा, ठीक है। यहाँ पर मेडिकल के बारे में कुछ डिटेल दी गई, तो मैं आपको दिखाता हूँ नीचे करके इसको, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मेडिकल के बारे में, पूरे डिटेल लिखा हुआ है, तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कि फिजिकली रजिस्ट्रेशन, इसको हम क्लियर कर देते हैं एक बार को। देखिए जन आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा वो A1 रहेगा, इसमें A1 होता है, A2 होता है, ये रेलवे के मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं, B2 होता है, C2 होता है, ये रेलवे के स्टैंडर्ड होते हैं जिनमें अलग अलग मेडिकल लिया जाता है, तो इसके लिए A1 लिया जाएगा, यानी कि बहुत शानदार आपका मेडिकल होना चाहिए, आंखें वगैरह बिल्कुल परफेक्ट आपकी होनी चाहिए। फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी कि डिस्टेंट विजन जो आपका 6x6 होना चाहिए, और 6x6 विदाउट विदाउट ग्लासेस का होना चाहिए, विद फॉगिंग टेस्ट मस्ट नॉट बी एक्सेप्टेड +2 डायोप्टर, ठीक है। ये होगा नियर विजन आपका SN 0.6 और 0.6 विदाउट ग्लासेस, एंड तीसरा होगा आपका मस्ट पास टेस्ट ऑफ कलर विजन होगा, आपका बायनोकुलर विजन होगा, फील्ड ऑफ विजन होगा, नाइट विजन होगा, और मेसोपिक विजन होगा। ये सारा टेस्ट कैसे होता है मैं आपको पूरा आगे आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें कि कौन कौन से विद्यार्थी इसका फॉर्म भर सकते हैं, तो मेट्रिकुलेशन यानी कि आपके पास जो 12th है उसकी जो 12th है वो होना चाहिए, प्लस आपके पास ITI होना चाहिए। यहाँ पर ITI इन लोगों ने मैंडेट कर दिया गया है, किस किस फील्ड में होना चाहिए, तो ये फील्ड लिखी हुई है, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट वगैरह, ट्रेड्स, फिटर वगैरह, ये पूरा कुछ आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपके पास डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है, एज एवर विल ऑल्सो बी एक्सेप्टेबल इन लियू ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, ठीक है। अगर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा भी है तो भी वो आपका यहाँ पर मान्य किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके आप ले सकते हैं।
बाकी रिजर्वेशन वगैरह के बारे में जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन वेबसाइट पर आ जाएगा तो उसमें पूरी डिटेल दे रखी होगी, ठीक है। तो ये इसका पूरा शॉर्ट नोटिस था जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इस नोटिस को आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, तो दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से जाके आप इस नोटिस को पढ़ सकते हैं। और यूट्यूब पर वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, इसी तरह की मोर अपडेट्स के पाने के लिए, जैसे इसकी और अपडेट आएंगी। और इसके लिए बेस्ट बुक्स क्या हो सकती है, प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से मिलेगा, किस तरीके से मेडिकल होता है, सारा कुछ आपको डिटेल बनाने वाला हूँ। रेलवे में किस तरीके की इसकी जॉब होती है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए चैनल पर जुड़े रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।